मीनार पाकिस्तान जलसे से पहले सियासी पारा फुल हाई, नून लीग माहौल बनाने के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज की क्यादत में जाति उमरा से दाता दरबार तक रैली, जगह जगह इस्तकबाल। बोली, जारी हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया, गरीब का चूल्हा दोबारा जलाने का वक्त आ गया। रियायत ना देने वाले खुद रियायत मांग रहे हैं। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का तूफान लाने वालों को माफ नहीं करेंगे। आंधी आए या तूफान, 13 दिसंबर का जलसा होगा। मरियम नवाज का दो टोक ऐलान। जाति उमरा से मरियम नवाज की रैली का आगाज। गजुमता में राना मुबशर इकबाल और सुहेल शौकत भट्ट ने इस्तकबाल किया। जहानाबाद में कारकुनान की नारेबाजी। शंघाई ब्रिज पर परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज और साद रफीक ने वेलकम किया। गाजियाबाद से नसीराबाद तक का इंतजाम हाफिज नुमान ने देखा। मनो पतियानी चावर, नोटों की बरसात। इचरा में सैयद तौसीफ शाह ने रैली का इस्तकबाल किया। मियाँ मरहूब डॉक्टर असद अशरफ, वहीद आलम खान भी हमराह थे। लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, लाहौरी गेट में भी आवाम ही आवाम। दाता दरबार पर तहरीक की कामयाबी और मुल्क की सलामती की दुआएं। जाति उमरा से दाता दरबार तक तवील रैली। मरियम नवाज को भूख ने सताया। लक्ष्मी चौक पे डेरा समाया, मटन कड़ाही का लुत्फ उठाया। गवाल मंडी पहुंचने पर असल शेर इस्तकबाल के लिए आया। मतवालों के नारे। लाहौर का सियासी पावर शो, नून लीग कामयाबी के लिए सर धड़ की बाजी लगाएगी। मरियम नवाज की जेर सदारत अराकीन असेंबली की बैठक। हर डिवीजन से 10,000 अफराद लाने का टास्क। मरियम नवाज की सिक्योरिटी के लिए 100 रुकनी डंडा बरदार फोर्स भी तैयार। नून लीग का ग्रेटर इकबाल पार्क की चौकीदारी का ऐलान। पुलिस का कैंप पर धावा। अवामी राबता मुहिम के लिए कंटेनर लगाने पर लीगी रहनुमा तौसीफ शाह और बाकिर हुसैन पहले गिरफ्तार, फिर रिहा। पुलिस ने कुर्सियां और शामियाने उठा लिए, फिर वापस कर दिए। गैर कानूनी जलसा नहीं होना चाहिए। कंटेनर लगाएं, खारदार तार बिछाएं या शहर के दाखिले खारजी रास्ते बंद कर दें। पुलिस को फ्री हैंड मिल गया, कानून पर कैसे अमल कराएं। पुलिस के बड़ों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। पीडीएम को जलसे की इजाजत मिलेगी या नहीं, गेंद एक बार फिर हुकूमत के कोर्ट में। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास बुला लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रोज में फैसला करने की हिदायत कर रखी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। आज मरियम नवाज से मुलाकात के लिए जाति उमरा जाएंगे। दादी के इंतकाल पर तासीयत करेंगे। राजा परवेज अशरफ, कमर जमान काया, शीदी। कोरोना ने दुनिया बदल दी। हर धर्म अपोजिशन पर रत्ती बराबर असर नहीं हुआ। अवाम की जिंदगी उसे खेलना सियासत नहीं, बेहिसी और संगदिली है। वजीर आला उस्मान बुज़दार बरस पड़े, कहा कौम अपोजिशन के मनफी रवैये को कभी मुआफ नहीं करेगी। इस्तीफे मांगने वाले इस्तीफे देने पर आ गए। अपोजिशन की पटारी से रोज नया झूठ निकलता है। फिरदौस आशे कमान का तंज, कहा राजकुमारी इंसानों को कोरोना की भेंट चढ़ाने निकली हैं। बीजे बट हो या कोई जट, कानून शिकनी पर कार्रवाई होगी। इस्तीफों से हुकूमत जाने वाली नहीं। इमरान खान मीनार पाकिस्तान से ऊपर गए, ऑपोजिशन यहीं से नीचे जाएगी। शेख रशीद ने सियासी मुखालिफीन पर तनकीद की ट्रेन चढ़ा दी। मरियम नवाज पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ साजिश का इल्जाम। हुकूमत की मुकदमेबाजियां, मोटरसाइकिल रैली निकालने पर नवाब टाउन थाने में FIR दर्ज। खोखर बरादरान समेत 500 नामालूम कारकुन नामजद। सैफ अल मुल्क खोखर की एंटी करप्शन कोर्ट में हाजिरी माफी की अर्जी मंजूर। जमानत में 17 दिसंबर तक की तौसी। PDM का जलसा रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली तैयार। बी क्लास लीडरशिप और कारकुनान की गिरफ्तारियों का फैसला। पुराने मुकदमात की फहरिस्तें बनना शुरू। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगाए जाएंगे। शहरी यकीन रखे सब ठीक है। SP मॉडल टाउन दोस्त मोहम्मद की जेर कयादत फ्लैग मार्च। कजाफी स्टेडियम, लिबर्टी मार्केट, मेन बुलेवार्ड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, कलमा चौक और दीगर इलाके शामिल। SP इकबाल टाउन मोहम्मद अजमल ने भी फ्लैग मार्च की कयादत की।
मुस्लिम टाउन, स्कीम मोड, पक्की ठट्ठी, सन्नाबाद, गुलचंदावी, यतीम खाना चौक और दीगर मकामात शामिल। लाहौर पुलिस के अफसरान आमने सामने। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार कैसरानी का एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट अनूश मसूद को ड्यूटी पर तवज्जो का मशवरा। गैर जिम्मेदाराना रवैये की शिकायत, इल्जामात बदनीयती पर मबनी है, इम्तियाजी रवैया ना अपनाएं, अनूश का जवाब। समाजी फासला ना मास्क, एहतियात ना इंतजाम, वहशत ना कोरोना, मजीद 11 जिंदगियां निकल गया। 175 नए मरीज की रिपोर्ट, शहर में मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 61,000 से ज्यादा हो गई। एड्स हलाकत खेज, कंट्रोल प्रोग्राम हदफ में नाकाम। लाहौर एचआईवी मरीजों का घर, पंजाब में पहला नंबर। पॉजिटिव केसेस 3,380 हो गए। कंट्रोलिंग सरगर्मियां सुस्त रू होने पर महकमा सेहत के तहफुजात, 1,30,00,000,000 की डिमांड मुसरद। कोरोना के सबब इम्तिहानी पैटर्न तब्दील, तीसरी से आठवीं तक एमसीक्यूज पेपर, अगली जमात के लिए होमवर्क और टेस्ट के नंबर मसावी शुमार होंगे। पहली और दोयम क्लास का जबानी इम्तिहान होगा। पैक के तहफुजात, ऑनलाइन तालीम को तलबा की जरूरियात पूरी करने में नाकाम करा दे दिया, रिपोर्ट में इंकशाफ। मुर्गी की फिर उड़ान, ब्रॉयलर गोश्त 8 रुपए महंगा, 313 रुपए किलो हो गया। अंडों के दाम भी चढ़ गए, 188 रुपए दर्जन फरोख। सब्जियों की कीमतें भी नीचे न आई, लहसुन अदरक और टमाटर महंगे, फल भी गरीब की पहुँच से बाहर। इंतजामिया महंगाई का जिन काबू करने में नाकाम, निकम्मों की फहरिस्त बन गई, जल्द वजीर आला को भिजवाई जाएगी। ₹25,000 के नए प्राइस बॉन्ड की फरोख पर पाबंदी, 21 मई 2021 से ₹25,000 के प्राइस बॉन्ड नाकाबले इस्तेमाल, आम कागज का टुकड़ा होंगे। स्टेट बैंक, नेशनल बैंक समेत 5 बैंकों की 16 ब्रांचों से तब्दील करवाए जा सकते हैं। रोजाना सिर्फ 55,000 मुसाफिर, ऑरेंज ट्रेन मकबूलियत हासिल करने में नाकाम। 2.5 लाख मुसाफिरों का हदफ पूरा करने के लिए रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने की तैयारी, मोटरसाइकिल, रिक्शे और वैगन बतदरीज बंद की जाएंगी। लाहौर में वाटर मीटर्स की तंसीब मुश्किलात का शिकार, कानूनी पेशीदगी आड़े आ गईं, चीनी कंपनी ने भी हाथ खड़े कर दिए। मंसूबे की तकमील से माजरत, शहर में पानी के कनेक्शंस पर मीटर लगने थे, 10 अरब रुपए तखमीना लगा दिया गया। तुर्क कंपनियों से मुआहदे खत्म, तौसी नहीं होगी, मेहमान कंपनियों के जाने का वक्त आ गया। LWMC सफाई का चार्ज संभालेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। तुर्क कंपनियों का 31 दिसंबर से मुआहदा खत्म हो रहा है। यकसा निजामे तालीम ना मंजूर, सैकड़ों पब्लिशर्स का पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, सनद से वाबस्ता 20 लाख लोगों का मुस्तकबिल खतरे में है। मार्केटें कारोबार खुले हैं तो स्कूल भी खोलो, प्राइवेट स्कूल मालिकान का लिबर्टी चौक में एहतजाजी मुजाहिरा, हुकूमत से प्राइवेट स्कूल खोलने का मुतालबा। जलो रिजॉर्ट्स के तरक्याती काम जेरे इल्तवा, 5 एकड़ अराजी पर तामीरात खंडरात का मंजर पेश करने लगी। फंड्स की कमी की वजह से तजीनो आराइश का मंसूबा खटाई में पड़ गया, महकमे ने जलो रिजॉर्ट्स को लीज पर दिया था। मैरिट का जनाजा, नौकरियों की लूट से, महकमा स्कूल एजुकेशन ने दर्जा चाहरम की 105 असामियां बराए फरोख। अथॉरिटी के दबाव पर मेरिट लिस्ट जारी करने के बजाय नए सिरे से भर्तियां, वज़ीरे तालीम का हलका तरजीही करार, वज़ीरे आज़म पोर्टल भी खामोश, किसी उम्मीदवार की सुनवाई नहीं हुई। 7,000 गाड़ियों की नीलामी, बेनामी रजिस्ट्रेशन स्कैंडल में 300 अरब का तहलका खपला, होश शुरबा इंकशाफात, 996 गाड़ियों का मालिक स्टैंप फरोश रजिस्ट्रेशन से बेखबर निकला। कसूर अब्बास का भी, 1,290 गाड़ियों से इजहार लातालुकी, 4,200 गाड़ियों का स्कैन डेटा ही गायब कर दिया। एंटी करप्शन में महक, कोरोना की दूसरी लहर, वायरस के फैलाव का खदशा, हाई प्रोफाइल केसेस की समाप्त जेलों से ऑनलाइन होगी, NCOC ने मंजूरी दे दी। हाई प्रोफाइल केसेस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शामिल हैं।
पॉलीथीन बैग्स माहौल दुश्मन, पाबंदी के फौरी इतलाक का हुक्म। क्रैक डाउन से 3 दिन कबल नोटिस जारी करने का हुक्म। हाई कोर्ट में इस मौके खिलाफ समाअत, जस्टिस शाहिद करीम का माहौलियाती आलूगी के खात्मे के लिए मजीद इकदाम का हुक्म। मेडिकल कॉलेजेस में तलबा की मौजूदा दाखिला पॉलिसी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, हाई कोर्ट ने वकला के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। कुरान मजीद की लाजमी तालीम के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत, जस्टिस शाहिद वहीद इस्लामियात में शामिल मतनाज़े मजमून की तदरीस न रोकने पर बरहम। गवर्नर हाउस का सब्जा, ऑरेंज लाइन से दर बदर प्लांटेरियम और नुमाइशी जहाज का नया मस्किन। साइंस प्लांटेरियम और PIA जहाज जल्द चबोजी से गवर्नर हाउस मुंतकिल कर दिया जाएगा। आने वालों को तफरीह के नए मौके मिलेंगे। स्पीकर परवेज इलाही से अली मोहम्मद खान और इजाज चौधरी की मुलाकात। वफाक के वजीर और PTI के सूबाई सदर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सियासी सूरत हाल और गवर्नेंस के मामला पर भी बात हुई। कोरोना से कारोबार तबाह, हुकूमत का शादी हॉल मालिकान को रिलीफ देने पर गौर। NCOC के इजलास में सूबों से सिफारिशात तलब, माली मुआवनत या टैक्स में छूट, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। मुजरी रेलवे शेख रशीद अहमद की सिटी न्यूज ऑफिस मुख्तलिफ शोबों का दौरा, न्यूज प्रोडक्शन पर ब्रीफिंग। विफाक के वजीर को काम के तरीकाकार से भी आगाह किया गया। शेख रशीद का सिटी 42 की खिदमात पर खराज तहसीन। न्यूज नेटवर्क फैमिली के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। यास्मीन राशिद तेजी से सेहतयाब, सूबाई वजीर सेहत शौकत खानम अस्पताल में सर्जरी के बाद घर मुंतकिल। तबीयत में बेहतरी का इजहार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यास्मीन राशिद को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की। करोड़ों दिलों की धड़कन, नरतगरल की लाहौर में रौनक अफजाई। तुर्क हीरो एंजल नल्तान टिकटॉक स्टार काशिफ समीर की दावत पर आए, दो रोज कयाम करेंगे। चेयरमैन ब्राइटो पेंट्स ख्वाजा एजाज सिक्का की दावत पर रायवीन आमद, जैन सिक्का और आतिफ सिक्का ने वेलकम किया। जिलानी पार्क में घुले दाऊदी की बहार, लाल गुलाबी सुर्ख उनाबी नीले पीले सब्ज और उदय फूलों की कोसों कजा, मंजर दिल फरेब, देखने वाले रंगों की बहार में खो गए। सूफी बुजुर्ग पीर सैयद मोहम्मद इरशाद हुसैन शाह का सालाना उर्स चादर पोशी से तकरीबात का आगाज। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन शाह, DG मजहबी उमूर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी की शिरकत। लेक सिटी विंटर क्लासिक लेडीज गोल्फ टूर्नामेंट, 30 खवातीन खिलाड़ियों की शिरकत। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और CEO लेक सिटी गौहर एजाज ने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। गवर्नर पंजाब को एजाजी शील्ड से नवाजा। और नेशनल चैलेंज कप फुटबॉल टूर्नामेंट, पाकिस्तान आर्मी और खान रिसर्च लेबोरेटरीज ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। दोनों टीम्स क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई।